वेलकम बैक, वेलकम टू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड वी आर इन द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको चैप्टर 7 कंप्लीट कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन है, वो सभी सॉल्व करने हैं। दे ऑल द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द थ्योरी वी हैव कवर्ड इन द चैप्टर, ठीक है। और जब आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन खुद से करते हैं, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव लर्न समथिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके कुछ कंपाउंड्स भी हैं उनको पढ़ते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड इतने कॉमन नहीं होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या मोस्टली उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, उनके रिएक्शंस भी आप नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि एक तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका जो अक्रेंस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो बहुत कम होता है, इसलिए उनके कंपाउंड्स भी बहुत कम ही आपको नोन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, जो आपके एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शनल या एनोमलस बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी बताया था कि पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं कि कोई भी रिएक्शंस क्यों होती है, ठीक है। और जो उसकी रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस आगे क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट सिंपल सी डेफिनेशन है, द एलिमेंट इन विच या ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इनर डी ऑर्बिटल टू द वैलेंस सेल इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। मीन्स जिन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर सबसे बाहर वाले सेल से एक अंदर वाले सेल के डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, ऐसे सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल, मतलब इनर का मतलब हो गया कि जो सबसे बाद वाला है उससे एक अंदर वाला, जैसे आपने देखा होगा 4s पहले भर जाता है और 3d बाद में भरता है। तो जब 4s भर जाता है उसके बाद जब d में आने लगते हैं, तो जिन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर आता है, 3d के अंदर या 4d या 5d 6d इनके अंदर आता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियडिक टेबल के अंदर, उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आते हैं, मीन्स दे हैव 10 ग्रुप्स, ठीक है। वो आप देख लेंगे, थर्ड भी फोर्थ भी इस तरीके से आता है, ठीक है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको पेनल्टीमेट ऑर्बिटल या पेनिट्रेट एलिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1d ऑर्बिटल में जाता है, इस वजह से इनको पेनल्टीमेट एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो पेनल्टीमेट अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉमनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का जो उनका कारण है वो ये है, बिकॉज इन पीरियडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी एस से ज़्यादा और पी से कम हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आपको किसी भी
एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इन देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कन्फिग्रेशन। या तो कोई भी एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है, या उसकी जो मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, या डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे Ag है, अगर Ag पॉजिटिव बनाता है तो वहां पर 3d10 आ गया इसका कन्फिग्रेशन, तो उस केस में हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन अगर Ag2 पॉजिटिव आ जाता है उस केस में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 4d9। तो 4d9 है मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो इसलिए सिल्वर इज कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि Ag2 पॉजिटिव में इसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव के लिए 3d9 होता है, Al3 पॉजिटिव के लिए 5d8 होता है। तो ये सारे क्या हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए ये सभी मेटल क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के लिए कंडीशन ये होती है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, या चाहे आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें या उनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, तो दोनों के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-1, 1, n-1d, 1 to 10 एंड ns 1 2। तो डी ऑर्बिटल्स जो सॉरी जो पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में जाता है, और जो ns होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो n-1d ऑर्बिटल होता है उसमें 1 से लेकर 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके तीन टोटल तो 4 रो होती है, लेकिन उन 4 रो में से क्या होता है, 3 रो तो कम्प्लीटली होते हैं, मीन्स हर एक रो में 10 10 एलिमेंट्स हो गए, लेकिन जो 4th रो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वहाँ पर अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको सिंबल असाइन नहीं हुए हैं। आप कुछ साइंटिस्ट तो करते हैं कि भाई एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन IUPAC की तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई है कि उन नेम को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। आप अगर अभी गूगल पर सर्च करेंगे यू कैन गेट द सिंबल फॉर 118 एलिमेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 118 एलिमेंट्स के आपको सिंबल मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से कितने सिंबल IUPAC ने रिकमेंड किए हैं या उन्होंने वेरीफाई किए हैं या उनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया है, ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ये IUPAC भी बता सकती है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को क्या सिंबल देना है ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, IUPAC डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप रिकमेंडेशन भेज रहे हैं अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड, IUPAC के पास रिकमेंडेशन आती है कि भाई 110 या 111 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का सिंबल ये होना चाहिए, ठीक है। तो IUPAC क्या करती है, सभी रिकमेंडेशन के ऊपर विचार करती है और तब एक सिंबल, एक कॉमन सिंबल निकालती है, ठीक है। तभी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, सभी एलिमेंट के सिंबल सेम है, जैसे ट्रैफिक रूल्स सभी जगह सेम है कि भाई ग्रीन हो जाएगा तो सभी को रुकना पड़ेगा, रेड है तो सभी को जा सॉरी ग्रीन है तो सभी को जाना पड़ेगा और रेड है तो सभी को रुकना पड़ेगा, उसी तरीके से एलिमेंट्स का है। तो इसमें क्या होता है, 3 रो तो कम्प्लीटली होती है, मीन्स उनके अंदर 10 10 एलिमेंट्स होते हैं, और जो 4th रो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, उसमें कुछ ही एलिमेंट है। हो सकता है मैंने जो बुक पढ़ी है वो काफ़ी पुरानी हो, जो नई बुक्स आ रही है उसमें जो 4th रो है वो कम्प्लीट भी आ सकती है। अगर वो 4th रो कम्प्लीट आती है, ठीक है, अगर 4th रो कम्प्लीट आती है तो यू हैव टू राइट दैट डाउन कम्प्लीटली, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसमें 3d ऑर्बिटल्स
भरे जाते हैं, और उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 से 30 तक होता है। ठीक है, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है उसके अंदर 4D या 4D सीरीज का मतलब हो गया सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 3D का मतलब हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और 5D का मतलब हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और 6D का मतलब हो गया फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ये या आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें 3D ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें 4D ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें 5D ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं, और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें 6D। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी में दो दो का डिफरेंस है। नाउ वी विल सी द फर्स्ट 3D सीरीज। तो यहाँ पर 21 से लेकर 30 तक यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सभी के आगे आप AR लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम है कि भाई 4s2 है, और 3D में एक एक बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर के लिए ये क्या है, एक अलग है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर या एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों शो कर रहे हैं वो जब हम सभी को देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ये हो गया आपका 3D सीरीज। नेक्स्ट इज आपकी 4D सीरीज है, ये 39 से 48 के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक तो नियोबियम, मोलिब्डियम, रुथेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम और सिल्वर, इन सब के लिए ये क्या है, एक्सेप्शनल है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, यहाँ पर क्या है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो थोड़ा एनोमलस है। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एनोमलस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज यहाँ पर ये लैंथेनम से लेकर मरकरी HZe तक, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लैंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट का डिफरेंस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैंथेनम और हैफनियम के बीच में क्या आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, वो 58 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 58 से लेकर 71 तक होते हैं। ठीक है, फिर 72 से आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 4F के अंदर 0 हो गया, लेकिन जो हैफनियम है उसके अंदर क्या आया, 4F कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, और 5D 2 आया और 6 2 आया। ठीक है, यहाँ पर जो आपको एनोमलस बिहेवियर दिखेगा वो दिखेगा आपको प्लेटिनम और गोल्ड का। ठीक है, प्लेटिनम और गोल्ड का जो एनोमलस बिहेवियर है वो क्यों होता है, या ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका क्यों होता है, ये भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इसको काटा है, ये यहाँ पर डुबेनियम है, डुबेनियम DB 105 वाले का होता है। यहाँ पर भी एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, RF रदरफोर्डियम जो होता है उसके बीच में 14 एलिमेंट का गैप है, क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाता है, 5F ऑर्बिटल आ जाता है, वो पहले भरा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनोमलस है वो किसका बिहेवियर है, यहाँ पर किसी का भी नहीं है इसमें। मेटनियम 109 हो गया, हैस्मियम 108 हो गया, बोरियम, सीबोर्जियम SG और डुबेनियम DB। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन सीरीज है, ये आपको याद रखनी है। याद क्या करनी है कि बस जो आपके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनका जो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इसलिए है कि आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्यों होती है, उसका रीज़न ये है, आपने 11th क्लास में चैप्टर सेकेंड पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आया था। ठीक है, तो उसमें
आपको दिया हुआ था कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो इसलिए स्टेबल होते हैं, एक तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब एक जैसा। अगर जैसे हाफ फील्ड है तो सभी में एक एक आ गया, फुल्ली फील्ड है तो सभी में दो दो आ गए, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एनर्जी बहुत ही कम हो गई उसकी, मतलब स्टेबल ज़्यादा हो गया। दूसरा, उनके जो एक्सचेंज एनर्जी होती है, मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी भी कन्फिग्रेशन को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए इन दो फैक्टर की वजह से जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं उनका वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाया जा रहा है वो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ पर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल बन जाए, इसलिए वो एनोमलस प्रॉपर्टीज दिखाते हैं इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर, क्रोमियम, नेबोलियम, मोलिब्डियम, रुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, पीटी, गोल्ड, ये सभी एलिमेंट्स हैं जो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। तो इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई भी कैटायन बनाता है, ठीक है, तो उसमें कैटायन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो पहले एस ऑर्बिटल से जाएंगे, मीन्स एनएस ऑर्बिटल से जाएंगे, उसके बाद n-1 वाले डी ऑर्बिटल से जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, तो अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Ar3d10 4s1। तो अगर Cu2 पॉजिटिव बनाता है या Cu पॉजिटिव बनाता है, तो Cu पॉजिटिव में जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो पहले 4s से रिमूव हुआ है, लेकिन अगर वो Cu2 पॉजिटिव बनाता है तो वहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो पहले एक s से होगा फिर d से होगा। सिमिलरली फॉर क्रोमियम, क्रोमियम में क्या होता है, Ar3d5 4s1 होता है। तो अगर Cr3 पॉजिटिव बना रहा है तो एक तो s से जाएगा और दो d से जाएंगे, टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा 3d3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एंड दिस कन्फिग्रेशन यू हैव टू रिमेम्बर फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट बिकॉज इट विल बी यूज इन योर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होगी, तो इसलिए ये आपको फर्स्ट सीरीज के लिए तो आपको याद रखनी रखनी है, ठीक है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ के लिए आप जो एनोमलस है उनके लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम मेटल, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी है, मतलब आप कह सकते हैं एंड एलिमेंट ऑफ इच ट्रांजिशन सीरीज, हर एक ट्रांजिशन सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट है, दिस एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड n-1d या ns2 या n-d होता है। तो आप बताएंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल आते हैं, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट में रख देते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हम उनको बोल सकते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है कि उनकी ग्राउंड स्टेट या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फुल डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें जो सिमिलरिटी होती है वो रो वाइज होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाइज होती है। वो जैसे हम पी ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं कि भाई एक ग्रुप के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है वो रो वाइज होती है कि भाई फर्स्ट रो अलग प्रॉपर्टीज शो कर रही है, सेकेंड रो अलग प्रॉपर्टीज शो कर रही है। ग्रुप वाइज दे डू नॉट हैव सच सिमिलरिटीज, उनके बीच जो सिमिलरिटीज होती है वो हॉरिजॉन्टल रो वाइज होती है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट जो सिमिलरिटी प्रूफ शो करते हैं वो रो वाइज करते हैं हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली। जबकि एस एंड पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्टिकली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और हॉरिजॉन्टली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और वर्टिकली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर आपके आस पड़ोस में किसी को भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्लास 12th में है और उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको आप यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम आल्सो, बिकॉज अभी तक हमें नहीं पता है कि भाई जो अकेडमी है या स्कूल्स हैं वो कब ओपन होंगे। तो यहीं पर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सो दैट यू योर रिजल्ट डू नॉट स्पॉइल। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो या ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत मन लगा कर पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।